फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलजी के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखने वाले हैं, पार्ट टू है। इसका मतलब है कि हमने एलजी को कम्प्लीटली तीन थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिए हैं पेड क्लासेस में, प्लस एलजी का दो सेपरेटली एमसीक्यू लेक्चर बना दिया, एक पार्ट वन और ये है एक पार्ट टू। ठीक है, तो आज हम लोग यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप कम्प्लीटली विजिट करिए, देन आपका एलजी पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाहर फिर कहीं एलजी नहीं पढ़ना है, आप बार बार नोट्स वगैरह को रिवाइज करते रहिए। मैंने आपको पीडीएफ नोट्स ऐप पर अवेलेबल करवा दिया है, वो पढ़ते रहिए। एमसीक्यू के क्वेश्चंस के पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, वो बार बार रिवाइज करते रहिए, टेस्ट दे दीजिए, काफी है। इससे ज्यादा एलजी कहीं नहीं पढ़ना है और काफी हम लोग पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ते रहिए, मंत्र पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लोरीडेन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू, फ्लोरीडेन स्टार्च वर्ड ही सभी बच्चों को अनजान लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़े होंगे पेड क्लासेस में, उनको ये वर्ड नया नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फ्लोरीडेन स्टार्च के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पे देखिए फ्लोरीडेन स्टार्च, ये टेबल देख के कुछ कुछ ध्यान में आया होगा कि एलगी को हमने कितने क्लास में बांटा है। एलगी को फर्दर तीन क्लास में बांटा है, कौन कौन सा? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके बेसिस पर एलगी को तीन पार्ट में बांटा गया है, तीन क्लास में। तो दो चीज के बेसिस पे, एक पहले क्या, इसमें पिगमेंट, इसमें कौन सा पिगमेंट है, इसमें कौन सा पिगमेंट है, और दूसरा क्या, फूड स्टोरेज फूड मटेरियल, वो स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टोरेज फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल को वो किस फॉर्म में स्टोर करता है। इसके बेसिस पे एलगी को तीन क्लास में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि एलगी को तीन क्लास में बांटा गया किसके बिहाफ पे, तो दो चीज पैरामीटर दिया गया था, पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है और स्टोरेज बॉडी उसका क्या है। ठीक है, वही स्टोरेज बॉडी हमने पढ़ा था कि ये देखिए हमारा स्टोर जो फूड किस फॉर्म में वो फूड को स्टोर, पहले तो पिगमेंट के बता देते हैं। ठीक है, एलगी को तीन क्लास में बांटा गया, क्लोरोफाइसी इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन एलगी कहते हैं, फिर थियोफाइसी इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन एलगी कहते हैं, रोडोफाइसी जिसको हम रेड एलगी कहते हैं। फिर हमारा जो मेन पैरामीटर है दोनों को बांटने का, वो है स्टोर फूड और मेजर पिगमेंट। तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, तो हमने इसका ट्रिक बताया था ना, ए बी ए सी ए डी है ना, इसमें ए बी है, इसमें ए सी है, इसमें ए डी है, यानी क्लोरोफिल ए पी ओ पाया जाएगा, बी सी डी लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्लोरोफिल ए बी हो गया ग्रीन एलगी में, क्लोरोफिल के कहते हैं ए सी ए और सी हो गया किसमें, ये हो गया ब्राउन एलगी में, और इसमें स्पेशल पिगमेंट पाया था थियोफोजेंसिन, जिस वजह से ब्राउन जो था ब्राउन कलर, थियोफाइसिन का जो कलर है ब्राउन है। ठीक है, प्लस इसमें जो रेड एलगी है उसमें क्लोरोफिल ए डी पाया जाता है, और एक स्पेशल पिगमेंट क्या पाया जाता है, फाइको एरिथ्रिन, क्या पाया जाता है, फाइको एरिथ्रिन, जो कि वो फाइको एरिथ्रिन क्या प्रोवाइड करता है, एलगी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। ओके, यही फाइको एरिथ्रिन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टोर्ड फूड, फूड को स्टोर किस फॉर्म में करता है एलगी, तो एलगी फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, और ब्राउन एलगी फूड को किस फॉर्म में स्टार्च स्टोर करता है, मैनिटॉल और लेमिनेरियम के फॉर्म में, और ये जो है रेड एलगी वो फ्लोरीडेन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, और ये फ्लोरीडेन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन किसके जैसा है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन, और ग्लाइकोजेन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, किससे मिलता जुलता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन। ठीक है, चलिए और हम लोग और भी थोड़ा सा ये फ्लैजिला को लेकर के जान जाइए, फ्लैजिलेट, तो ये क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, यानी क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एलगी होते हैं वो डायरेक्टली क्या करती है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी मोटाई होता है, क्या होता है, मोटाई होता है, कैड़ पाता है। ठीक है, इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर बात करें ये थियोफाइसी में, इसमें भी फ्लैजिला होता है लेकिन डिफरेंट टाइप का होता है, वो नहीं इतना ध्यान रखना है, नहीं रहने कोई बात नहीं, मोटाई होता है, लेकिन ये जो रेड एलगी होता है वो नॉन मोटाइल होता है, क्या होता है, ऑलवेज नॉन मोटाइल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्लोरीडेन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू, हमने बताया था ना फ्लोरीडेन स्टार्च सबसे पहले किसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, तो रेड एलगी का है, किसका है बताइए, रेड एलगी का है, किसका है, रेड एलगी का है। अब रेड एलगी का जो फूड स्टोर मटेरियल है फ्लोरीडेन स्टार्च, वो किसके जैसा सिमिलर है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन। देखिए ऑप्शन में है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, तो आंसर है डी, ए एंड
एलगी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, एलगी को तीन क्लास में बांटा गया है, क्लोरोपाइसी, थियोपाइसी एंड लोरोपाइसी। किसके बेसिस पे एलगी को तीन क्लास में बांटा गया है? तो आपको हमने बताया था दो पैरामीटर लिया जाता है, एक होता है टाइप ऑफ पिगमेंट, दूसरा स्टोर फूड मटेरियल, वो किस टाइप के फूड को मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, तो आपका हो गया टाइप ऑफ पिगमेंट, ठीक है, फिर इस टाइप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन को नहीं लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा आंसर? बोथ ए एंड बी। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एट लीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय, पूरे अर्थ पर हाफ ऑफ द टोटल CO2, मतलब CO2 का मतलब पूरे अर्थ में जितना भी CO2 है उसका 50% CO2, हाफ मतलब 50% हुआ, फिक्सेशन करता है कौन? फिक्सेशन कहने का मतलब हुआ कि CO2 जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जैसे आप सुने होंगे कि हरा पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, वही तो मतलब हुआ ना, वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करती है, यानी फोटोसिंथेसिस जो करती है, सूर्य के प्रकाश में जो वो खाना बनाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है ना, CO2 को फिक्स करता है, मतलब अपने अंदर लेता है। तो कौन सा ऐसा जगह है जो है एटलीस्ट जो कि हाफ ऑफ द टोटल CO2, पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 है 50% CO2 अकेले फिक्स करता है, उसको ऑक्सीजन में बदलता है, वो कौन है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स याद है, प्लांट किंगडम याद है, प्लांट किंगडम में बताया था एल्गी, ब्रायोफाइट, हेलियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वही एंजियोस्पर्म जो भी बड़े बड़े पौधे थे वो, या फिर ब्रायोफाइट, या फिर जिम्नोस्पर्म, या फिर एल्गी। तो सबको लग रहा होगा एंजियोस्पर्म जो थोड़ा बहुत जानते हो, क्योंकि बड़ा बड़ा पौधा है, इतना सारा पौधा है, तो नहीं, पूरे अर्थ पर टोटल CO2 फिक्सेशन जो करता है 50% CO2 अकेले कौन करता है? तो एलगी करता है। वो कौन करता है? एलगी करता है, समझे? तो एलगी इज द मेन, और एलगी का काम क्या, इसी कारण से क्यों, क्योंकि ये CO2 को फिक्स करता है, इसीलिए कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर के प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। किसमें? एटमॉस्फेयर के प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। प्योरिफिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर को साफ करने में भी मदद करता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या रहता है, फिक्स करके O2 में बदलता है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, याद करिए वो अगार के बारे में आपको पढ़ा रखा है, ये एक क्या है, सब्सटेंस है जो भी किससे रिलीज किया जाता है, रेड एलगी से निकाला जाता है। किससे? रेड एलगी से निकाला जाता है। ओके, अब रेड एलगी से निकाला जाता है, और अगार का काम क्या है, जैसे अगर किसी कल्चर प्लेट है, हमारा पेट्री डिश है, पेट्री डिश उसको कल्चर के अंदर क्या आता है, लैब वगैरह में बैक्टीरिया में को ग्रो कराता है साइंटिस्ट लोग पढ़ने के लिए, तो बैक्टीरिया को चिपचिपा सब्सटेंस के अंदर भी ग्रो कराता है, वहाँ पे कौन सा चीज यूज करता है? अगार। वही चिपचिपा की चीज है अगार, वो कहाँ से ऑब्टेन करता है? रेड एलगी से। अब बचपन रेड एलगी का एग्जाम्पल याद रहेगा तब ना, है याद है, बोलो दुगो पी दुगो जी, सब पढ़ा चुके हैं हम पेट क्लास में। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ एमसीक्यू लेक्चर्स में वीडियो यूट्यूब पे आप लोगों को दे देता हूँ, तो आपको यदि पूरी बायोलॉजी पढ़नी है, नहीं समझ में आया, तो आप हमारे पास विश्वास करके आ जाइए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, पूरी बायोलॉजी की सिलेबस आपको धीरे 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 कवर कराया जा रहा है। ठीक है, लाइव क्लास के माध्यम से आपको मैं पूरा रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी मतलब क्या हो गया? पॉलीसिफोनिया। क्या हो गया? पॉलीसिफोनिया। उसके बाद एक मतलब, एक पी मतलब क्या हो गया? पोरफायरा। क्या? पोरफायरा। उसके बाद क्या, एक मतलब हो गया गेरिडियम। क्या हो गया? गेरिडियम। और दूसरा जी मतलब क्या हो गया? ग्रेसिलेरिया। क्या हो गया? ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। ओके, गेरिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो रेड एलगी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब कौन सा रेड एलगी से? तो गेरिडियम और ग्रेसिलेरिया से। तो ऑप्शन में है, यस, गेरिडियम और ग्रेसिलेरिया है, लेकिन ऑप्शन में तो दोनों है और ये वो और है, या तो अलग भी है। तो ऐसा कुछ केस आ जाए जब दो ऑप्शन मिल रहे और कोई तीसरा ऑप्शन बचे नहीं आपके पास, ऐसा ऑप्शन लगा ना, वो BMC तो आप मार सकते थे, लेकिन वैसा भी ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दीज है, तो आपको मानना पड़ेगा कि गिगरेटिना भी, अगर नहीं भी जानते, जैसे मैं भी नहीं जानता था, लेकिन फिर मैंने सर्च किया गूगल पे, तो गिगरेटिना भी एक रेड एलगी है जिसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा दिमाग लगा लेना कि ये दोनों है और कोई ऑप्शन में चारा नहीं है, हम ऑल ऑफ दीज ही पिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज। तो अगार किससे निकाला जाता है? तीनों से, गिगरेटिना, गेरिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ओके चलिए, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, फ्लोरिडियन स्टार्च हम लोग क्या बोले थे कि ये फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोरेज फूड मटेरियल है। किसका? तो बताइए किसका है? रेड एलगी का, याद है? अरे वो टेबल वाला भूल जाते हो, है देखो टेबल, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब बोलेगा मेनिटोलन लेमिनेरियन किसका है? तो ब्राउन एलगी का है ना। स्टार्च किसका है? तो ग्रीन एलगी का है। तो देखिए रेड एलगी अक्सर पूछता है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, किसमें पाया गया?
स्टार्च के फॉर्म में। अब ब्राउन एल्गी बताओ बताओ, चलो ब्राउन एल्गी बताइए, ब्राउन एल्गी में कौन सा होता है स्टोर फूड मटेरियल? लेमिनेरियम, क्या? लेमिनेरियम एंड मैनिटॉल, एंड मैनिटॉल क्या होता है? लेमिनेरियम एंड मैनिटॉल, क्लियर? चलिए, एल्गी आर यूजफुल बिकॉज दे, एल्गी यूजफुल है हम लोग के लिए, जो सवाल है हम लोग के लिए यूजफुल होता है वो क्यों है ना, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करता है। कैसे? कार्बन, पूरे तो पूरे एटमॉस्फेयर में जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड है वो अकेले उसको फिक्स करके ओजोन में बदलता है। कौन? एलगी। इसीलिए एलगी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस ग्रुप फ्लैजेलेटेड सेल आर नॉट फाउंड। किसके लाइफ साइकिल में जो कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, फ्लैजेलेटेड सेल प्रेजेंट नहीं होता? फ्लैजेलेटेड मतलब सेल, फ्लैजेलेटेड सेल मतलब जैसा वैसा सेल जिसमें फ्लैजिला हो। तो कौन सा था जिसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट था? तो फ्लैजिला वाला जब नंबर देखें तो याद है हमने बताया था ना कि रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। रेड एल्गी में फ्लैजिला क्या होता है? एब्सेंट होता है। यही रेड एल्गी आपका आंसर हो जाएगा कि रेड एल्गी ऐसा है जिसमें कि फ्लैजिलेटेड सेल नहीं पाया जाता। तो रेड एल्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोडोफाइटी। आपका आंसर हो जाएगा रोडोफाइटी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑब्जर्व इन क्लास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में खास बात है, उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। कभी डिस्कॉइड शेप का होता है, प्लेट जैसा होता है, या फिर स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन टाइप का भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है इस शेप से, या फिर आप कप शेप भी कर सकते हैं, इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है। तो जितना ऑप्शन है सब होगा, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, स्पाइरल, रिबन, रेटिकुलेट का ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी का, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है और डिफरेंट डिफरेंट शेप का भी होता है। ठीक है, कलर तो वही ग्रीन ही होगा ना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है, वो शेप अलग अलग वाइज करता है। ठीक है, चलिए आई होप कि एल्गी में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सारे टाइप से अलग अलग टाइप के भी एम सी क्यू मैंने करवा दिया। अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश और नई उमंग के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो हमारा क्या होगा? ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, और अभी हम लोग ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पहले जो बॉटनी का मैक्सिमम पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर जियोलॉजी में कुछ पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि जियोलॉजी के बाद अगर थोड़ा बहुत लास्ट में बच भी जाता तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बॉटनी समझ में आएगा, और ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब खूब मन से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, और कभी भी किसी खाली टीचर के भरोसे मत बैठिए, आप खुद से भी अपने रिवाइज करते रहिए, खुद से भी रिवाइज करते रहिए, खुद से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि आप जब तक खुद का एफर्ट नहीं डालेंगे ना, तब तक आपको कोई कॉलेज तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक है ना, तो आपको खुद का मेहनत लगाना पड़ेगा।